हाय दोस्तों, मैं हूं मास्टर की आप लोगों को वेलकम करता हूं। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ये फ्री है, और बेल बटन दबाइए आगे अपलोड करने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इस तरह दिया जाएगा, मुझे करना है यहाँ पे एक्स वाई जेड वैल्यू को यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। ये यूजुअली 5 मार्क्स के लिए आता है। मैं एक सिंपल वे बता देता हूँ, पहले बता दूंगा, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे यूजुअली ये जो अर्जेंट फाइंड आउट करने का है, यही यूजुअली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। उसको थोड़ा अलग वे से हम करेंगे कि आप लोग मिस्टेक ना करें। 70% स्टूडेंट्स यूजुअली डू मिस्टेक इन फाइंडिंग दिस अर्जेंट ऑफ ए। इसको थोड़ा अलग वे से मैं फाइंड आउट करने के लिए बता देता हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, 100% आपका आंसर, मतलब मैं यहाँ पे एट द एंड को मैं आपको वेरीफाई भी बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, देखने के लिए टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा। 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी प्रॉब्लम है, 100% आप ये करिएगा। मैं आपको समय बचाने का तरीका भी बता दूंगा, राइट। मैं इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा स्लोली बता देता हूँ, मतलब कि मेरा जो भी क्लासेस होंगे एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स के हिसाब से होगा, तो इसलिए जो बच्चे फास्ट है उन लोगों को ये बोरिंग लगता है, बट सीख लीजिएगा यहाँ से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सॉल्व, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे ना मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस equations can be written as हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ax equal to b, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ax equal to b, तो इसी को हम यहां पे x equal to, जब ये इधर जाएगा तो ये बनेगा a inverse equal to b। फाइन, ये हमारा इक्वेशन है। यहां पे मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स का इक्वल टू, इसका एक फार्मूला है, वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहां पे होगा अर्जेंट ऑफ ए। फाइन, यहां पे इसका फार्मूला है। फाइन, तो यहां पे इस प्रॉब्लम में पहला मैं ए लिख लेता हूं, क्या करना है पहले लिख लेंगे, ये फार्मूला याद रख लो, इसे लिखना है बस। एक का मतलब होता है, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, लिखना है 2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 3 है। अगर z नहीं दिया तो 0 रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे z नहीं है तो यहाँ पे 0 रखना है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 होगा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 होगा, और यहाँ पे होगा -1 है, और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट है -2, ठीक है। तो इसे थोड़ा बहुत केयरफुल से लिख लेना चाहिए, यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकता है गड़बड़ में, ये एज इट इज अच्छी तरह से लिख लेना है। और हमें x का मतलब क्या है, x हमें जो वेरिएबल है वो लिखना है, x है, और यहाँ पे y है, और ये z है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b, यहाँ पे हो जाता है कॉन्स्टेंट्स, क्या है यहाँ पे देखिए, 5 है, -4 है, और यहाँ पे 3 है। आराम से यहाँ पे लिख लो, 5 -4, और यहाँ पे 3 है, राइट। इसे हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ। स्टेप वन में ये फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करूँगा। स्टेप टू जो है इसे फाइंड आउट करता हूँ, अर्जेंट ऑफ ए। स्टेप थ्री में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो दिख रहा है फार्मूला, ये फार्मूला यूज करके मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। दिस इज माय टेक्निक। आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए थोड़ा सिंपल भी बता देता हूँ, थोड़ा लेंदी हो तो भी कर लो, क्योंकि वो आंसर वहाँ पे रंग हुआ तो पूरा रंग होगा। और अर्जेंट ऑफ ए सिंपल भी बता दूंगा, पूरा वीडियो देखना अर्जेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो मिस्टेक होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक होते हैं मैं बता दूंगा, वो मिस्टेक वहाँ पे आप नहीं करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे मुझे करना है, स्टेप वन लिखता हूं मैं यहाँ पे। स्टेप वन में मैं यहाँ पे करूंगा कि मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है, ठीक है।
मैं पे लिख लेता हूं क्या करना है, फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो यहां पे मैं, यहां पे देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस टू, इस तरह का आप डिटरमिनेंट सवाल ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर लो, नहीं है तो ऐसा करना ठीक है। प्लस टू लाइक दिस ओपन, माइनस थ्री ओपन एंड प्लस थ्री। मैं डिटरमिनेंट के इसका भी बता चुका हूँ, आप भी जाके सीख लीजिएगा। प्लस टू जो यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे आप फिंगर रख लो, यहाँ पे आपके फिंगर से इसे क्लोज कर लो, ये छोड़ना है ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे इस लाइन को छोड़ दो, फाइन। तो यहाँ पे आपको फिंगर लगाना है, आपका फिंगर यहाँ पे मतलब इसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे ये बचेगा माइनस टू वन माइनस वन, यहाँ पे होगा माइनस टू। और इसी तरह यहाँ से अगर आप फिंगर से क्लोज करोगे तो यहाँ पे आएगा वन वन थ्री माइनस टू, यहाँ से क्लोज करोगे तो आएगा वन माइनस टू थ्री माइनस वन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, टू ये होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा प्लस फोर, इधर होगा प्लस वन, माइनस थ्री यहाँ पे होगा, इधर माइनस टू, और ये होगा देखिए यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिखता हूँ इधर, कि और आसान होगा, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कर तो प्लस फोर, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस वन, इधर माइनस टू, इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री, थ्री वन जो थ्री, और यहाँ पर प्लस थ्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन, इधर मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस टू थ्री जो सिक्स। आप इस तरह आप कर सकते हैं ठीक है। टू फोर प्लस वन होगा फाइव, माइनस थ्री यहाँ पे होगा माइनस फाइव, और यहाँ पे होगा प्लस थ्री, इधर माइनस वन प्लस सिक्स होगा फाइव ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इधर डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मुझे फाइंड आउट करना था। यहाँ देख सकते हैं टू फाइव जहाँ होगा टेन, और यहाँ पे होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री फाइव जहाँ फिफ्टीन, और यहाँ पे होगा प्लस थ्री फाइव, यहाँ पे भी होगा फिफ्टीन। तो पूरा मिलाओगे तो यू विल गेट हियर, इफ यू ऐड यू विल गेट फोर्टी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि द गिवन गिवन सिस्टम हैज यूनिक सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन राइट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम आगे जा सकते हैं, यहाँ पे इफ इट इज इक्वल टू जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स था तो हम आगे जा नहीं सकते, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नहीं तो यहाँ पे द गिवन सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन बोल के यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट लिख लो। ये हो गया हमारा स्टेप वन। तो स्टेप टू इज वेरी स्पेशल, नाउ लेट्स डू द स्टेप टू। स्टेप टू में मुझे क्या करना है, आई विल फाइंड आउट हियर फाइंडिंग अर्जेंट ऑफ ए, मुझे अर्जेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, पहला जो मैट्रिक्स मुझे मिला है मतलब जो मैंने बनाया वो मैट्रिक्स पहला लिख लेता हूँ। वो मैट्रिक्स था टू थ्री थ्री ठीक है, वन माइनस टू, और यहाँ पे भी वन है, और ये थ्री था, और यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ पे माइनस टू, सही है राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जिस ट्रिक के लिए मतलब आसान तरीके के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैट तो अर्जेंट करने के एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक सिंपल टेक्निक है। आप इसे इधर रफ में आंसर शीट में आपको ये रफ में करना है ठीक है। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, टू थ्री थ्री जो भी हमें प्रश्न यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स उसको यहाँ पे लिख लेना है ध्यान से, वन माइनस टू वन, ये जो आप लिख ले रहे हैं तब ये बहुत मतलब केयरफुल से लिखना होगा, जरा से ये माइनस प्लस में गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ये जो तो कॉलम है इसको मैं रिपीट करता हूँ ठीक है, यहाँ पे देखिए टू वन थ्री इसको मैंने रिपीट किया, इसी तरह इसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ये होगा थ्री, ये होगा माइनस टू, और ये होगा माइनस वन, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ।
फिर मैं ये पहला ये कॉलम रिपीट करता हूँ, देखिए सॉरी रो रिपीट करता हूँ, यहाँ पे टू थ्री थ्री टू थ्री, बाद में इस कॉलम को भी मैं रिपीट करता हूँ, वन माइनस टू वन वन माइनस टू। तो देखिए दो बार रिपीट कॉलम रिपीट किया, इसे देख के अच्छी तरह से सीख लो, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें ना ये रो और ये कॉलम को यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स आता है, उस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो और एक बार यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे टू थ्री यहाँ पे फाइव वन इस तरह है। इसके लिए मैं यहाँ पे जब इधर आऊँगा तो मल्टीप्लाई करता हूँ, टू वन जे टू, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्लस 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 ही होता है, लेकिन मुझे और एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और एक माइनस से हम लेना है, माइनस होगा फाइव दर्जे फिफ्टीन, ठीक है। इस तरह करना है, यहाँ पे वही करता हूँ, देखिए ये जो एक डालते हैं इसे थोड़ा बहुत केयरफुल से एरो डालना, हम कन्फ्यूज़ हो जाएगा नहीं तो, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो माइनस प्लस में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस यहाँ पे होगा प्लस फोर होगा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इधर तो माइनस इंटू प्लस माइनस और एक माइनस लेना है प्लस, ठीक है, वन जो वन। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस थ्री होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है और एक माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, एक माइनस है तो हमारा और एक माइनस लेना चाहिए, प्लस होगा, प्लस थ्री टू जो सिक्स होगा, ठीक है, ये होगा। तो बात नहीं, इधर थ्री वन जा थ्री, यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस डाल दो प्लस हो जाएगा, ठीक है, हमारा एक माइनस कंपल्सरी यहाँ पे डालना है, प्लस इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा सिक्स हो गया। तो मैं यहाँ पे कॉलम वाइज ले रहा हूँ तो मुझे लिखना है रो वाइज, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे इसी तरह ये वन थ्री या थ्री लिखता हूँ, यहाँ पे देखो एक ही माइनस है, हमारे एक माइनस जोड़ दो, यहाँ पे होगा प्लस होगा, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो टू वन जे टू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है माइनस इंटू प्लस माइनस, टू टू जे फोर, इधर ऊपर जाने पर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, हमारा माइनस जोड़ दोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो माइनस से, यहाँ पे होगा माइनस थ्री थ्री जे नाइन, फाइन। तो उसी तरह यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वन जे थ्री होगा, और यहाँ से तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, हमारा एक माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे होगा माइनस वन टू जा, यहाँ पे आएगा आपको टू, फाइन। उसी तरह ये करना है हमें, देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा वन वन जो वन होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस से होगा और एक हमारा माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा, ये होगा थ्री टू जा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है सिक्स, ठीक है, ये होगा। यहाँ पे इधर देखिए थ्री थ्री जा नाइन होगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और एक माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा प्लस होगा, तो मतलब यहाँ पे होगा प्लस, ये हो जाएगा टू। तो इसी तरह इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस फोर होगा और इधर आप मल्टीप्लाई कर भाई माइनस करो तो यहाँ पे होगा माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो जो भी जितना भी आंसर है मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, देख लीजिएगा कि रफ में जो भी आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना है आपको अर्जेंट ऑफ ए, ठीक है। देखिए मैं अर्जेंट ऑफ ए जो भी मुझे यहाँ पे आ रहा था ये होगा हमारा अर्जेंट ऑफ ए, फोर प्लस वन, यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको फाइव और यहाँ पे होगा थ्री और यहाँ पे आ जाएगा नाइन, यहाँ पे होगा फाइव, ये होगा माइनस थर्टीन, देखिए ना माइनस फोर माइनस नाइन माइनस थर्टीन, ये होगा थ्री माइनस टू इज वन, यहाँ पे होगा माइनस वन प्लस सिक्स इज फाइव और ये नाइन प्लस टू इज इलेवन, ठीक है, और ये जो होगा माइनस फोर माइनस वन इज माइनस सेवन, हमें यहाँ पे लिखना है। ये जो मैं कर रहा हूँ देखिए इसे थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो 100% आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैं रिवर्स लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका जो भी है उसका हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, मतलब ट्रांसपोज मतलब रो में है इसको ना यहाँ पे कॉलम में लिख लीजिए, फाइव फाइव फाइव, और ये रो में है इसे भी कॉलम लिख में लिख, मतलब सॉरी ये कॉलम है, सॉरी ये कॉलम है तो रो में लिख लीजिए, ये भी कॉलम में है इसको यहाँ पे आपको रो में लिखना है, और ये भी कॉलम है और यहाँ पे आपको रो में लिखना है, ठीक है, वन और माइनस सेवन। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए कि क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ओके, सी ऑफ मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज अर्जेंट मैट्रिक्स, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अर्जेंट मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पाँच मार्क्स चाहिए तो ऐसा करना ही होगा, ठीक है। देखिए मैं पहला अर्जेंट फाइंड आउट करके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ कि सी एफ ऑफ, मुझे ए वन वन करना है, ठीक है, सी एफ ऑफ
A12 का फाइंड आउट करना था। देखिए CF ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ A13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डैश डाल के फिर यहाँ पे लिखता हूँ कि CF ऑफ A कैपिटल ही लिखना है, ठीक है, 21, CF ऑफ A 22, CF ऑफ A 23 इक्वल टू होगा, फाइन, इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे ऐसे डैश करता हूँ CF ऑफ, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है 31, CF ऑफ, आप इसे थोड़ा अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा मेरा डिजिटल पैड में लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 333 इक्वल टू, ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं, आप छोड़ दो इसे, 555 है, देखो 1 यहाँ पे 115 होगा और ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, 555, 3 माइनस 13 यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है माइनस 13, यहाँ पे लिखना है 11, 91 माइनस 7 यहाँ पे लिखना है 9, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा माइनस 7, तो मिल गया मुझे, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, फाइन। मैं आपके समझाया तो इसीलिए टाइम ले चुका, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो। अब होगा स्टेप 3, स्टेप 3 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फार्मूला यूज करता हूँ, स्टेप 3 में जो करता हूँ ये फार्मूला, x इक्वल टू ए इनवर्स बी मुझे करना है, x मुझे पता है, ए इनवर्स का मतलब होता है 1 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे लिखना है बी, x इक्वल टू, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 40 और मैंने एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट अभी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, मैं वही एडजॉइंट ऑफ ए को मैं यहाँ पे ले लूंगा, आप देखिए क्या क्या है, ये यहाँ पे है 5 और यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे है 9 और ये है 5, ये है माइनस 13, ये है 1 और ये है 5, यहाँ पे 11 और यहाँ पे होगा माइनस 7, ये है अर्जेंट ऑफ है, मुझे बी फाइंड आउट करना है, ये बी तो ऑलरेडी मुझे पता है, मैं देख लेता हूँ और एक बार क्या है देख लीजिएगा, बी यहाँ पे है, देख सकते हैं 5 माइनस 4 3 है, ठीक है, उस 5 माइनस 4 3 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है, 5 माइनस 4 यहाँ पे 3 है, फाइन। अब यहाँ पे इसकी सॉल्व करने की टेक्निक की बात करूँगा तो ये 1/40 को आप टच ही नहीं करना, इसे बाद में सोच लेंगे हम, ठीक है, छोड़ दो इसे, हमें यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करना है, इसे जब आप इसे सॉल्व करते हो तो देखिए सिंगल 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 डिजिट आएगा, याद रखो यहाँ पे देखो ये रो है और एक कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, यहाँ पे क्या था भाई माइनस था, सही, नहीं नहीं यहाँ पे प्लस था, तो मैंने बोला ठीक है यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 जो होगा यहाँ पे 12, ठीक है 12, और यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 9 प्लस 27 हो जाएगा, फाइन। उसी तरह मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए 5 माइनस 13 5 5 जा 25 माइनस 13, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 13, 4 जा मुझे यहाँ पे लिखना होगा 52 होगा और 1 3 जा यहाँ पे होगा 3, ठीक है, उसी तरह ये करना है, 5 1 जा 5 यहाँ पे होगा 25, यहाँ पे 11 यहाँ पे होगा माइनस 44 और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस कितना होगा 21, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1/40 और पूरे इसे सिंप्लीफाई भी करोगे तो क्या क्या होगा 25 27 52, यहाँ पे निकलने पर यहाँ पे आ जाएगा आपको 40, ठीक है, आप इसे 52 सॉल्व करने पर ओके नाइस, यहाँ पे होगा 80, फाइन 80 हो जाएगा, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे मतलब सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको आना चाहिए माइनस 40, फाइन। अब देख लीजिएगा x इक्वल टू, अब मैं इस 1/40 को मैं बाहर लेता हूँ अंदर लेता हूँ, इसी वैसे रखना चाहिए हमेशा, बाद में एट द एंड सिंगल डिजिट तब भी आएगा तभी से अंदर ले जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा ये 40 है तो डिवाइडिंग बाय 40 करना है, फाइन, यहाँ पे 80 है तो इसे भी डिवाइडिंग बाय 40 करना है, देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 40 दिया है तो माइनस 40 है तो डिवाइडिंग बाय 40 होगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा माइनस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड वैल्यू, ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है और z की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये देखना है कि ये सही है या रॉन्ग है, तब आप वेरीफाई करोगे एग्जाम में, अगर वेरीफाई करना है कि आपको पता होना है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो यह सही है रॉन्ग है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी जो भी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इक्वेशन दिया है
इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को चुन लो, समझो कि ये इक्वेशन को ले लो, ठीक है। पहला इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 3z है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y है प्लस 3z इक्वल टू 5 है, तो ये x वैल्यू यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे 1 है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे डालो, 3 है 2 है 3, ये z वैल्यू भी यहाँ पे डालो माइनस 1 है, ये 5 एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे देखो 2, ये 6, ये प्लस है ना, यहाँ पे होगा माइनस 3, ये 5 को एज इट इज रख लो, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा माइनस 3, 5, 8 माइनस 3 का मतलब 5, अगर ये दोनों आंसर ये 5 इक्वल टू 5 दोनों सेम आ गया, सो समझो कि आप जो प्रॉब्लम कर चुके हैं वो मतलब वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो आप कर लोगे, ठीक है, आपके तरीके से कर लो या ऐसे कर लो, इट इज़ योर विश, ठीक है। ये सब लिखना होगा, सोल्यूशन एज यूनिक सोल्यूशन इनवर्स एग्जिस्ट, इसे लिखना होगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में जब आप अर्जेंट ऑफ ए करोगे तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होगा, मेरे ख्याल से अगर आप इसको एक 5-6 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे समय वेस्ट करे बिना आप एग्जैक्टली करेक्ट कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। तो दूसरे इनवर्स फाइंड आउट करने से बेहतर, मतलब अर्जेंट के लिए मेथड से ये अर्जेंट का मेथड जो है बहुत ही सिंपल है। मैं जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको 5 मार्क्स मिले, ये हो बाद में कोफैक्टर हो बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स से बात कोफैक्टर्स हो, ये सब लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, आपको 5 मार्क्स 100% मिलेगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी देते हैं, ये थोड़ा देख लो, एक्स प्लस 2y देता है इक्वल टू यहाँ पे होगा 5, कभी ऐसे देता है एक्स प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, कभी कभी ऐसे देता है x प्लस समझो कि 2y इक्वल टू माइनस 3z ऐसा देता है, तब हम इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसीलिए को x प्लस 2y इक्वल टू 5 इसे तो ठीक है एज इट इज़, यहाँ पे x प्लस जेड इस माइनस 3 को इधर भेजो, 3 होगा यहाँ पे, सिर्फ कॉन्स्टेंट नज़र आना चाहिए आपको, यहाँ पे x प्लस 2y ये माइनस 3z उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 3z इक्वल टू 0। तो जब इसको मैट्रिक्स में अगर आप लिख ले रहे हो, देखो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट है तो 1 लिखो, यहाँ पे y की कोएफिशिएंट है तो 2 लिखो, यहाँ पे z का नहीं है तो 0, ठीक है, याद रख लो z नहीं है तो 0। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे z प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे x 1 2 3 है, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप ये लिख लोगे, ठीक है। जब आप b लिखोगे तो b देखिए यहाँ पे 530 है तो 530 लिख लीजिएगा, बात नेक्स्ट तो आपको पता है x का मतलब है क्या, वेरिएबल जो भी प्रेजेंट x y z हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजली यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करो, ठीक है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सून मैं अपलोड करूँगा, उस तरह के सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी बता दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जरूर हम बहुत सुन मतलब रिप्लाई तो दे देंगे, जो आप वीडियो बोलते हैं बताने में थोड़ी देर हो तो भी हम जरूर बना लेंगे। और सीटी क्लासेस भी हम चालू करने वाले हैं, जीडब्ल्यूई मेन लेवल के हो या कर्नाटक का सीटी हो, लाइक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। वी नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।